हाल के वर्षों में शाहरुख खान की फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर भारी झड़पों का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह 2015 में दिलवाले बनाम बाजीराव मस्तानी या इस साल रईस विकैबिल था? जाहिर है इन बॉक्स ऑफिस की लड़ाई ने घरेलू बाजार में दोनों फिल्मों के संग्रह को प्रभावित किया, लेकिन अब शाहरुख ने अपनी आने वाली फिल्म या भारी मेज की रिहाई की तारीख को बदलकर एक शानदार कदम बना दिया है। ये हिमतियाज अली निर्देशक 4 अगस्त को जारी करेंगे। इससे पहले फिल्म 11 अक्टूबर को अक्षय कुमार के शौचालय एक प्रेम कथा से टकरा रही थी, लेकिन अब यह रोमकॉम 4 अगस्त को स्क्रीन पर होगा। फिल्म को एक विस्तारित सप्ताहांत का भी आनंद मिलेगा, क्योंकि 7 अगस्त को रक्षाबंधन के कारण आंशिक अवकाश होगा। भूल नहीं, यहाँ तक कि शौचालय एक प्रेम कथा का रिलीज होने से पहले एक बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि 14 अगस्त को जन्माष्टमी है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 17 अगस्त को पारसी नया साल। इन सभी उत्सव की छुट्टियों के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुफ्त रन का आनंद लेंगी। हम आपको इस नोट पर याद दिलाएंगे कि ये पहली बार नहीं है जहां शाहरुख और अक्की ने रिलीज की तारीखों के साथ चालाकी से खेला है। 4 साल पहले शाहरुख ने अक्षय कुमार के एक बार अपॉन आई टाइम के निर्माताओं को दबोरा में अनुरोध किया था रिलीज की तारीख एक हफ्ते आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को एकमात्र रिलीज मिले। इसके अलावा 2004 में शाहरुख और अक्की की फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर भिड़ गए वीर जारा और आतराज। हालांकि दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वीर जारा बॉक्स ऑफिस पर एक विशाल ब्लॉकबस्टर बन गई। कॉमन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके। धन्यवाद।